क्या बोलना तेरे को पता ही अभी बोलना क्या है पीयूष की तरह की हेलो गाइस आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आ चुका हूँ इतने दिनों के बाद मैं लाहौल वापस अपने घर में गांव में, और आज है 14 तारीख। पिछले कल मैं कुल्लू से आया लाहौल को, और सड़कों के एकदम बुरे हाल है ना, यहाँ को आने इतना मुश्किल है। ऊपर से वन में गाड़ियों को पास देने के लिए भी जगह नहीं है। अभी मैं घर में हूँ और टाइम बचे हैं 10:30। अभी उठा मैं, अभी तो नहीं मतलब 5 मिनट पहले उठा, फिर मैं ऐसे घूमना था बाहर, मैंने देखा कि घर में कोई नहीं है, तो मैंने फ़ोन किया उनको कि कहाँ पे हो ये सब, तो वो बोल रहे थे कि यहाँ पे गांव में किसी की डेथ हो गई है, तो वहाँ गया हुआ है। तो कोई नहीं, अभी घर में अकेला हूँ, खाना खाऊंगा, फिर सबसे पहले तो मुंह धोऊंगा यार, यहाँ पे मुंह धोना भी एक टास्क है क्योंकि इतनी ठंड है ना यहाँ। देखिए यार, ये खिड़कियाँ भी देखिए जमी हुई है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है, रुको ये देखिए जम चुकी है। और यहाँ पर इतनी अच्छी लाइट आ रही है चेहरे पर, देखिए पूरा फोकस। अभी धूप भी नहीं आई है, आएगी 11:30 बजे के आसपास धूप, तब तक हाथ मुँह धोते हैं, खाना खाते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो इतने दिनों से मैं वीडियोस नहीं बनाते क्योंकि कुल्लू में ना थोड़ा माइक का इशू भी है, फिर इतनी सारी मतलब बहुत पोल्यूशन है वहाँ पे, पोल्यूशन क्या नॉइस पोल्यूशन, हाँ नॉइस पोल्यूशन, इस वजह से वहाँ पे वीडियो बनाना उतना अच्छा भी नहीं लगता मुझे, पता नहीं क्यों क्या बात है, मतलब वाइब ही नहीं आती वहाँ पे जो यहाँ पे आते ना मुझे लाहौल में, वहाँ पे मुझे वाइब ही नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों क्या है, पता नहीं कुछ नया जगह होगा, लोगों के सामने थोड़ा व्लॉगिंग करने में हिचकिचाहट होती है अभी भी। तो इतने सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, वीडियोज़ क्यों नहीं आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो विंटर कार्निवल टाइम, क्योंकि सब सोच रहे थे मैं विंटर कार्निवल का वीडियो बनाऊंगा, पर मैंने नहीं बनाया वहाँ पे क्योंकि इतनी बर्फबारी हो रही थी वहाँ पे, बारिश हो रही थी, इतनी ठंड थी ना, मैं वीडियोस नहीं बना पाया वहाँ पे। तो अभी सबसे पहले मुंह धोते हैं, पता नहीं मैं आज इतना तो क्यों बोल रहा हूँ, वर्ल्ड के पीछे तो लगा हुआ है। सबसे पहले मुंह धोते हैं, फिर मिलते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, आज मुझे कुछ पता नहीं है, चलिए फिर मिलते हैं गैस। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ चुका हूँ, अभी फुल गर्म कपड़े पहन के, देखिए अभी मैं आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ छत से, एकदम तगड़ी बर्फ़ पड़ी है, ऊपर से ना आंखों पे पड़ रही है रोशनी मोटे ही स्टाइल से, ये देखिए गाइस कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है। और ये देखिए हमारा रास्ता गांव का, ये अभी गांव वालों ने सुबह इसे साफ किया, तो वादा सुबह देवता की पूजा की थी। और ये देखिए इसे चढ़ाते हैं देवता को, पता नहीं ये इसे तो टूटू बोलते हैं, इसमें पता नहीं क्या क्या मिक्स करके बनाया मुझे नहीं पता। और ये देखिए और व्यू देखिए यार आप लोग यहाँ से, सो गाइस अभी मैं जाता हूँ अपने बच्चों के पास, और हमारे घर में एक और बकरी पैदा हुई छोटी सी, तो मैंने उसे नहीं दिखाया, तो अभी जाता हूँ वहाँ पे, देखता हूँ किस कलर की है और कैसी है, पहले टोपी और चश्मा लेके जाएंगे यार, क्योंकि ना टोपी लगाना ज़रूरी है, नहीं तो धूप लग जाती है चेहरे पे, और मेरा कमरा थोड़ा मैसी है तो मैं कमरा नहीं दिखा रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि सारा सामान मैंने फेरा के रखा पिछले घर आगे, टोपी ग्लव्स एक और। तो अभी चलते हैं बाहर, ये रहा मेरा बच्चू, ये पता नहीं क्यों डरती है इतना मुझसे, ये मेरा दोस्त, ये मेरा दोस्त, क्या हो गया है, इनको ना यहाँ पे धूप नहीं आती यार इस बिल्डिंग की वजह से, ये देखिए इसको तो आती है इसको नहीं आती है, इन दोनों को
और यहाँ देखिए आप बर्फ कितनी ऊंची हो चुकी है यहाँ पे। ये पता नहीं क्यों डरे मुझसे। अभी चलते हैं ऊपर यहाँ पे बकरियों के पास। तो ये रहा पहला, और दूसरा इनके बीच में छुपा हुआ, पता नहीं इस बीच में कहीं गया था अभी। वो देखिए वहाँ पहले वाले तरह या सेम। और बुआ ने यहाँ पे देखिए कपड़े सुखाने रखे हैं, दोनों एकदम सेम है। ये देखिए ये है डेडू के बच्चे, और इस डेडू को पत्नी क्या हो गया, यहाँ से मंगा हो रहा है आगे से, उसके पीछे से देखे वहाँ से कुछ बीमारी है शायद की। यहाँ से रिफ्लेक्शन देखिए कितनी सही आ रही है, और ये थोड़ा सा ख़राब है, मतलब सफाई नहीं की, तब भी इतनी अच्छी तरह से देख पा रहे हैं ये देखिए। और पहले पहले मैं और मेरा छोटा भाई यहाँ पे क्रिकेट खेला करते थे, लेजर के बोलते थे, यहाँ पे बैटिंग करते थे, वहाँ से बॉलिंग करते थे। अभी तो ये बहुत छोटा लग रहा है हमारे को, इतने दिनों बाद ट्रैकोर्ड के साथ ब्लॉगिंग करना ना थोड़ा आसान लग रहा है, थोड़ा क्या बहुत आसान है, बहुत ही कम्फर्टेबल लग रहा है। जिस दिन मैंने फोन के साथ ब्लॉग किया था जो न्यू ईयर वाला है, इतना मुश्किल लग रहा था ना मुझे। ऊपर से आईफोन है थोड़ा, इसमें वाइड एंगल थोड़ा ज़्यादा है, तब थोड़ा फ़ायदा है। अगर मैं कोई दूसरे फोन होते हैं तब वो ऐसे लगता है, तो बहुत मुश्किल पड़ता था यार पहले ब्लॉगिंग करना मुझे। वन प्लस का भी थोड़ा ठीक है, जो पोको था मेरे पास उससे ना थोड़ा मुश्किल लगता ब्लॉगिंग करना। वो आईफोन का थोड़ा वाइड एंगल तब थोड़ा एडवांटेज है ना, इतना एडवांटेज तब थोड़ा आसान लगता है ब्लॉगिंग करना, और वाइड एंगल है ना तब बहुत फ़ायदा होता है इससे। नहीं तो फिर इतना दूर से रखना पड़ता था, फिर तब जाकर चलता पहले वाले फ़ोन में फोट लगता था। और आप लोगों ने पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा ऐसा होता था, मेरा कैमरा दिखता ही नहीं था पीछे से, मैं कुछ दिखाना चाहूँगा था देखिए आईफोन से। और क्या मस्त धूप है, इतनी गर्मी आ रही है बाहर, पर इस धूप ना एक साइड कर दिए आपके चेहरे पे, ये देखिए यहाँ पे देख सकते ना इतनी धूप पड़ी, ये काला हो जाता है अगर दिन भर ऐसे बैठे ना, रात में मुझे यहाँ पे गर्मी आई और लाल हो गया, अगले दिन ना काला हो जाता है, स्किन जल जाता है। अभी मेरा हाथ देख सकते हैं आप लोग कैसा है, अब कुछ दिनों के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मेरा हाथ कैसा होगा। अभी गए 3:30 हैं और धूप छिपने वाली है, और अभी मैं और अनुज ये जा रहे हैं रापे की ओर। ये देखें आप रास्ता ही नहीं है, और आज जेसीबी सड़क साफ करने के लिए आने वाला था, पर वो आधे रास्ते से वापस हो गया था, पहले तो नीचे पुल से ही जहाँ मेरे चाचू का होटल है। और हमने फ़ोन किया फिर जो उनके क्या है ऑपरेटर उनको फ़ोन किया था, तो उनको बोला हमने राशल रापे तीनों गांव में सड़क खोल दो, तो सबसे पहले बोलता राशिद क्यों खोलेंगे, और राशिद की ओर आए ना वहाँ से वापस चले गए, वहाँ पे फिसल रहेगा जैसे ही फिसल रहा है। आप लोगों को हम दिखाएंगे वहाँ जाके वो रास्ता कैसा है, थोड़ा ढलान तो है पर जैसे भी कैसे फिसलेगा यार वहाँ पे। हमने एक बार इससे पहले बार जब बर्फ पड़ी थी हमने वो कैंपर निकाली थी, वो भी 1 फुट में 1.5 फुट बर्फ पड़ी थी उस टाइम भी, अभी भी ये देखिए 1.5-2 फुट और जैसे भी कैसे तो क्या होगा इतना ये, और वापस चली गई वहाँ से। इनके बहाने बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अभी दिखाते हैं आप लोगों को हम वहाँ जाके कि कैसे कैसा रास्ता है और कहाँ से वापस चला गया। अभी यहाँ भी रास्ता नहीं है, दिखाते हैं हम आप लोगों को। ये देखिए गाइस यहाँ पे अब इसको हम उठा के इग्लू बनाएंगे। तो गाइस कुछ दिनों के बाद हम ना इग्लू बनाना स्टार्ट कर देंगे, पहले ब्लॉक बनाएंगे उनके लिए बहुत सारे इग्लू बनाने के लिए, तो एक इग्लू बनाएंगे पहले, आज तक बनाएंगे हमने, देखते हैं सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। वैसे बनाएंगे हम और वहाँ पे हम स्टे भी करेंगे रात को। सोचो गाइज आजकल ना ठंड माइनस आई हूँ 20-21 तो होता ही होता है, रात को कभी कभी 30 चली जाती है, तो ऐसे में वहाँ पे बैठना आप लोग समझ सकते हैं खतरों से खाली नहीं है, फिर भी हम वहाँ पे रहेंगे। और यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा बर्फ है को, तो ये देखिए यहाँ को तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, देखा रिसक आया है, ग्लेशियर आया था यहाँ पे गाइस एक दिन, तो उससे हवा उठती है ना बहुत ज़्यादा, उसे हम अपनी लैंग्वेज में रिसक बोलते हैं, तो उस वजह से यहाँ को
बस की चादर है और ये हार्ड भी है और जगह से ही देखिए थोड़ा हार्ड भी है तो उसमें से यहाँ पे ज़्यादा बस है। जिस रास्ते कुछ हुआ ना आवाज वही कुछ तो हुआ यहाँ है पाइप यहाँ पर साइड से कुछ तो आवाज आई थी यहाँ पे क्यों हुआ तीन फुट है यहाँ पे ये देखिए गाइस अभी यहाँ नहर पे फंस चुका है ये देखिए इतना बर्फ है और जिमित भी आ चुका है देखिए वहाँ पे वो देखिए गाइस जैसे भी वहां से जा रही है ऊपर से आ रही है ऊपर देखिए महंगा कुत्ता इसे देखिए मस्ती चाहिए आजा आजा ले इसे देखिए और क्या कहना चाहेंगे जेसीबी आधे रास्ते से वापस हो चुकी है बोल कुछ बड़ा साफ क्या उसने कुछ साफ नहीं किया आजा यहाँ आजा ले इसका नाम नागू रखो वहाँ जमा हो गया मत गए बोले क्या हो गया अच्छा 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 यहाँ जा यहाँ जा निकाले नहीं बाहर चल आगे चल 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 कैम बना जा कहाँ गई ओए यहाँ जा सो गाइस ये देखिए जेसीबी की खुदाई किस तरह से सफाई की है देखिए यहाँ पे पोड़ी बनाया हुआ है और यहाँ फिसल रहा है गाइस इनका जेसीबी इन लोगों ने देखा होगा नहीं इधर साइड को बर्फ जा रहा है तो बहाना बना के वापस चले जाते हैं यहाँ पे देखिए यार साफ क्यों नहीं होगा एक बार करके आया है ऐसे चले जाओ आगे इस तरह सफाई गाइस जेसीबी की खतरनाक ही है तब तो इतनी बर्फ भी नहीं है यार एक हिसाब से जेसीबी के लिए तो इतना बर्फ कुछ नहीं है यार कुछ भी नहीं यहाँ तो फिर मिट्टी है नीचे से पक्का भी नहीं किया है इसको पूरी तरह से अपने वो तो होता है क्या बोलते हैं उसको यार मुझे पता नहीं उसको गड़ा क्या सकते पूरी तरह से नीचे ज़मीन में मिट्टी तो खूब निकलना था तब भी अब क्या पता क्या है क्या नहीं अब पूरा हमें नहीं पता पर जो भी हो सड़क खराब कर किया है साफ नहीं किया ये देखिए कुछ भी हो यार मज़ा नहीं आया हमने सोचा था आज जैसी पूछ जाएगी कल तक थोड़ा साफ हो जाना था फिर उसके बाद हमने गाड़ियाँ लानी थी यहाँ को क्योंकि गाड़ियों की बहुत ज़रूरत पड़ती है यार ये देखिए जैसीबी की सफाई ये तो ऊपर गुजरता टाइम क्या होगा फिर भी अब यहाँ पे देखते हैं ऊपर वाले रोड पे जहाँ पे मेटलिंग किया हुआ है वहाँ पे देखते हैं तो चलो राशल की ओर तो फिसल रही है तो रापे की ओर नहीं फिसलते ना रापे को साफ कर सकते थे इस ऐसा तो हमारे को पैसे देता यार वो हम साफ कर लेते हम तीन गांव वाले हैं तीन गांव वालों में लगभग हर घर में एक एक लड़के हैं नहीं
सब आना, सब न्याण था यहाँ पे। ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता लगाना था, हफ्ते में हमने पूरा साफ करके रखना था। हफ्ता भी क्यों लगाना था, इतने सारे गांव वाले हैं। शांत जा, वो देखो मैं कैमरा देखो, वो देख कैमरा, गो उश अरे वो शांत वाव तो ऊपर तो चपेट वाव वाव बड़े वाले देख कुछ हमारे क्या है वो? इसे कुछ मिला है यहाँ पर तो अभी हम रशीद को जा रहे हैं यहीं से लॉजिंग में जा रहे, तो मिलते हैं कल परसों इग्लू बनाते टाइम और क्या बोलना है पता ही अभी पीयूष की तरह की बाय बाय अभी चलते हैं हम दोनों घर की ओर, क्योंकि 4:30 बज चुके हैं और ठंड बहुत बढ़ रही है। अब धीरे धीरे टेम्परेचर नहीं सूझ बड़ा टेम्परेचर कब होना पता होना अभी -9 है अभी गाइस 4:30 बजे रात को इसे भी तगड़ा हो जाता है। अभी हम दोनों को बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि वहाँ पर रास्ता बहुत ख़राब है, अभी पहली बार आए ना और बस ज़्यादा थोड़ा चलने के लिए। तो अगर अभी हम घर पहुँच गए, ये देखिए मेरा घर, और हम लोग थक चुके हैं यार, रास्ता बना बना के आए हम लोगों। अभी टाइम भी 5 बज चुके हैं, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और जितना हो सके उतना शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।